किस संदर्भ में ये बयान आपका आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल की जो बैठक थी, सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों पर का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग समटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है, 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलंब है, तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्कुट पर ही चर्चा होके समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। जेडीयू ने नीतीश जी का नाम पीएम दावेदार के लिए आगे रखा है। कल ममता बनर्जी टीएमसी प्रेसिडेंट जो, उन्होंने खड़गे जी के नाम को सहमति दी, सपोर्ट दिया, कैसे देखते हैं? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु उसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी के लिए बिहार का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि नीतीश जी, बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। इतना डिवीजन है इस अलायंस में कि कोई दावेदार का नाम आगे कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी के कर रहे हैं, जैसे आप नीतीश कुमार जी का कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इंडिया ब्लॉक को आगे जाते हुए, जब शुरुआती में ही इतने डिफरेंसेस देखिए, हैं? जब तक अगर सीटों का बंटवारा अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बैठक, जो जैसे कि ममता जी ने भी कहा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं करती है कांग्रेस, तो फिर अगली तारीख पर तो डेट भी नहीं कोई फाइनल कर पाएगा कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंडिया एयरलाइंस की यह हो जाएगी।